दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 16 टीटी को एक साथ गिरफ्तार किया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, तो दोस्तों वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। दोस्तों ट्रेन का टीटी, जिनका काम यात्रियों के टिकट को चेक करना होता है, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और यही काले कोट पहने टीटी आपके पास आते हैं तो अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने ठगी के शिकार युवकों की तहरीर पर 16 टीटी बनकर कार्यरत युवक को गिरफ्तार किया। दोस्तों इन गिरफ्तार युवकों के पास से रेलवे के द्वारा जारी आई कार्ड बरामद हुआ। तब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तो जो सच्चाई सामने आई वो सबको हैरान कर देंगी। दोस्तों युवकों ने बताया कि दिनेश नाम का एक आदमी, जो अपने आप को रेलवे एम्प्लॉय बताकर इन 16 बेरोजगार युवकों से 15-15 लाख रुपए लेकर टीटी की नौकरी दी थी। दोस्तों इन युवकों ने रेलवे के तरफ से जारी ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड भी पुलिस को दिखाया, जिसे वह असली समझ रहे थे, जो कि फर्जी था। दिनेश इन टीटी गैंग का सरगना था। उसने बोला कि तुम लोगों की ड्यूटी यहीं पर रहेगी। सो ये सारे युवक टीटी बनकर पिछले कई महीनों से यहीं काम कर रहे थे और स्टेशन से बाहर आने जाने वाले बिना टिकट यात्रियों से पैसे वसूल रहे थे। दोस्तों पुलिस ने दिनेश नाम के युवक को पकड़कर जेल भेज दिया है और बाकी मामले की जांच चल रही है, क्योंकि इस मामले में कई सारे रेलवे कर्मचारी भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। तो दोस्तों रेलवे में हो रही ऐसी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब जरूर से कमेंट करें। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।